हेलो एवरीवन, सविता हेल्दी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पानी पूरी का पानी बनाएंगे, जिसको कि जलजीरा भी कहते हैं। तो पूरी की रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, तो ये देखिए, मैंने ये भी घर पे ही पूरी बनाई है, तो आप जरूर देखें। तो अब हम पानी बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये मैंने पानी लेते हैं पहले, ये मैं 3 गिलास के हिसाब से पानी ले रही हूँ, और ये नॉर्मल वाटर है, आप आइस भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने चटनी बनाई है, ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक। इसमें मैंने नमक, मिर्च, खटाई वगैरह कुछ नहीं डाली। तो इसमें मैंने 1/2 कप पुदीना लिया है और 1 कप धनिया का लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च और छोटा सा टुकड़ा अदरक का। अब पुदीना 1/2 कप ही लिए धनिए से, क्योंकि पुदीना फिर ज्यादा पानी कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए पुदीने को कम लेना है, धनिए से 1/2 लेना है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। जो भी इसमें ये छना हुआ मसाला रह जाता है, ये जो पुदीना वगैरह, ये इसको आलू के मसाले में डाल के आप यूज कर सकते हैं, जो हम स्टफ करते हैं गोलगप्पे। ये देखिए पानी का कलर कितना बेहतर हो गया, थोड़ा सा पानी हम और डाल लेते हैं। अब हम इसमें, बहुत सिंपल मसाले हैं ये, सबसे पहले हम भुना हुआ जीरा डालेंगे। जीरे को रोस्ट करके आप इसको पीस लीजिए मिक्सी में, ये हम 1 चम्मच भर के डाल देते हैं। और ये हम काला नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, और ये हम सफेद नमक डालेंगे। आप नमक चेक कर लेना, क्योंकि कई बार कम हो जाता है, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो आप पानी और डाल लें, अगर कम हो जाए तो और डाल लें नमक। और हल्की सी लाल मिर्च, ऑप्शनल है क्योंकि ग्रीन चिली डाली हुई है हमने। और ये पानी पूरी मसाला है, ये डालेंगे, इसके बिना पानी कंप्लीट नहीं होता, तो साथ में मिलाते जाएंगे। और नमक जरूर चेक करना है। अब हम ये, मैंने इमली का पल्प था मेरे पास, ये मैंने पानी में 2 चम्मच इमली का पल्प लिया और इसको पानी में मैंने मिक्स किया है, तो हम इसको डाल देते हैं। आप जितना खट्टा सहन कर सकते हैं उतना डाल दीजिए, अच्छे से मिलाना है, क्योंकि तो मसाला फिर नीचे बैठ जाता है, आप साथ साथ मिलाते रहें। और अब हम 1/2 नींबू डाल देते हैं। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो आप पूरा नींबू से भी बना सकते हैं पानी। और अब हम इसमें थोड़ा सा ये कटा हुआ पुदीने के पत्ते हैं, और अब हम इसमें बूंदी डाल देते हैं। मैंने बूंदी को गुनगुने पानी में भिगो के रख लिया था, इससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो निकल जाता है। अब हमारा पानी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारा पानी बनकर तैयार है, और देखिए कितना आसान है और कितनी जल्दी बन गया है। तो प्लीज आप भी बनाइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।